बिल्कुल आगे बढ़ेंगे तो जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हेलंग के पास पहाड़ी टूटने का एक लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। लैंडस्लाइड की आवाज से आसपास के लोग डर गए हैं और तस्वीरें आपको दिखाएंगे कितना तेजी से जो ये पहाड़ी से मलबा है ये गिरता है और हैरान करने वाला ये वीडियो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक भी गंगा पर बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीरें हैं। हेलंग के पास पहाड़ी टूटी, अचानक से जो ये मलबा है ये गिरा और आसपास के लोग अब इससे दहशत में। जोशीमठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है और इसका असर पहाड़ी क्षेत्रों पर अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लगातार जो पहाड़ी है वो गिर रही हैं और मलबा आने से जो सड़कें हैं वो बाधित हो गई है। और ये जोशीमठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अचानक से ये पहाड़ी गिरी और किस तरीके से आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। और इस पूरी घटना के बाद जो आसपास के गांव हैं वहां के लोग भी दहशत में हैं। हालांकि इस पूरी घटना को वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में भी कैद कर लिया। तो आज सावन का चौथा और आखिरी सोमवार है। सुबह से ही भक्त शिव भगवान की जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों के बाहर पहुंच रहे हैं और ये तो भगवान शिव के लिए सावन का पूरा महीना ही प्रिय होता है, लेकिन सावन का आखिरी सोमवार शिव जी का सबसे प्रिय दिन माना जाता है। लेकिन खास बात ये भी है कि आज सावन के आखिरी दिन सोमवार के साथ ही जो तमाम मान्यताएं हैं वो भी हैं, महिलाओं के लिए काफ़ी शुभ ये माना जाता है और कई जो शुभ योग हैं आज के दिन बन रहे हैं जिससे आज के दिन का महत्व और भी ज्यादा बन जाता है। तो आज सावन का आखिरी सोमवार अपने आप में काफी खास ये सोमवार माना जाता है। कई शुभ योग आज के दिन बन रहे हैं और सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एकादशी तिथि भी आज है और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो इन खास महत्व के साथ आज का दिन और भी खास हो जाता है और सुबह से ही लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसके अलावा आज शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी है इससे भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और शिव जी के सावन के आखिरी सोमवार के साथ लग करके ये एकादशी आ रही है। ऐसे में तमाम लोगों के लिए आज का मौका, आज का पूजन बहुत खास हो जाता है। हालांकि पूरे सावन के महीने में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु उमड़ते हैं, लेकिन आज आखिरी सोमवार है सावन का। ऐसे में शिवालयों में ब्रह्म मुहूर्त से पहले से ही लोग कतारों में लगे हुए हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से ही ऐसी खबर मिल रही है कि शिवालयों में लंबी लंबी कतार है तमाम श्रद्धालुओं की, जो जल बेलपत्र लेकर के, दूध लेकर के भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहते हैं और पुत्रदा एकादशी का भी आज संयोग बन रहा है। ऐसे में आज एक साथ दो व्रतों का लाभ मिलने वाला है तमाम व्रतियों को। इसीलिए आज सावन का आखिरी सोमवार, पुत्रदा एकादशी, भगवान विष्णु और भगवान शिव का ये दुर्लभ संयोग एक साथ मिल रहा है। ऐसे में निसंतान जितने दंपति हैं उनको, जिनको भी पुत्र या पुत्री की कामना होती है, आज के दिन पूजन का, अर्चना का बड़ा खास महत्व बन जाता है। इसीलिए देखिए शिवालयों में भीड़ है, इसके अलावा लोग घरों पर भी पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। ऐसी मान्यता जो है कि ये दुर्लभ संयोग मिला है जहां भगवान शिव और इसके साथ भगवान विष्णु की पूजा का महत्व एक ही दिन के व्रत में मिलेगा। और चलिए किस तरीके की चहल पहल मंदिरों में देखने को मिल रही है, तमाम जानकारी देने के लिए हमारे चार सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। मेरठ से सनुज हमारे साथ है, वाराणसी से नीतीश हैं और पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक भी हमारे साथ है, योग्य से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। चलिए सनुज, पहले आपका रुख करना चाहेंगे, कहाँ पर आप मौजूद हैं और किस तरीके से आज यानी कि सावन के आखिरी सोमवार पर वहां पर चहल पहल देखने को मिल रही है। सिद्धपीठ भोलेनाथ मंदिर में हूँ और इस मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की जो कतारें हैं
वो यहाँ पर लगी हुई है। आप देख लीजिए किस तरीके से जो आस्था का कुंभ है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ कतारों में लग गए थे और यहाँ 4 से 6 बजे तक जो विशेष पूजा अर्चना है भगवान भोले भंडारी की, वो विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की गई थी। आप ये देखिए कि जहाँ तक भी कैमरे की नजर जा रही है वहाँ आपको जो श्रद्धालु हैं वो नजर आ रहे हैं, दूध गंगा जल पुष्प लेकर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए ये श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। और देखिए जब श्रावण मास होता है और श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है और उसी कृपा को अपने ऊपर लेने के लिए भगवान से सभी मनोकामना पूरी कराने के लिए ये श्रद्धालु यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुँचे हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे जो श्रद्धालु हैं उनकी कतारें लगातार यहाँ पर बढ़ती चली जाएंगी। ये मेरठ का सिद्धपीठ औगढ़नाथ मंदिर है और ठीक मंदिर दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं अच्छी तस्वीरें हैं। लेकिन काशी का भी रुख करेंगे, सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी नीतीश के पास, देखते हैं कि शिव की नगरी से सावन के इस आखिरी सोमवार जब एकादशी के संयोग के साथ बन करके आ रही है, शिवालयों में कैसी रौनक है, कैसी चहल पहल, कैसी भीड़भाड़। कहते हैं कि काशी के कणकण में शंकर हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाने के लिए श्रद्धालु कतारबद्ध है। और आप देखें ये जो जय घोष है बोलबम का वो लगातार जारी है। ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर दर्शन पूजन और जलाभिषेक का सिलसिला जारी है और आज शुभ संयोग एकादशी का, तो जिन महिलाओं को या फिर जिन पुरुषों को पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा हो, इसके साथ वैवाहिक बाधा हो, वो बाबा का आज जलाभिषेक करें तो ये बाधा आज दूर हो जाएगी, ऐसी मान्यता कही जा रही है। तो भक्तों की भीड़ आप देख रहे हैं, भक्त हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं, महिला श्रद्धालु भी हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग आए कजाकपुरा से। आज का दिन खास अच्छा दिन है, आज बहुत उत्साह है, आज बहुत उमंग है, आज आखिरी है सोमवार का। तो आज कहे जो सोमवार है आखिरी सोमवार, चौथा सोमवार, और इसके साथ ही जैसा कि एबीपी गंगा लगातार बता रहा है कि जो 4 सोमवार होते हैं, 4 सोमवार पर अलग अलग कामनाओं से भक्त दर्शन करते हैं। प्रथम सोमवार धर्म कामना, द्वितीय सोमवार अगर बात करें तो अर्थ कामना, तृतीय सोमवार काम और चतुर्थ मोक्ष। तो आज मोक्ष कामना के आशीर्वाद का दिन है, तो भक्त यहाँ पर देखिए कतारबद्ध हैं और इनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम भी किए गए हैं। आपको जगह जगह यहाँ पर यूपी पुलिस के जवान, पीएससी के जवान और इसके साथ ही अगर बात करें तो महिला पुलिस भी तैनात है, महिला एसआई तैनात है, आरएएफ की तैनाती की गई है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हाथों में जल का लोटा लिए हुए भक्त बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। तो उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है, बात रहिएगा। लेकिन पंकज के पास चलते हैं, देहरादून से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आप कहाँ इस वक्त मौजूद है और वहाँ पर किस तरीके की धूम आज आखिरी सोमवार के दिन देखने को मिल रही है, जरा तस्वीरें दिखाइए। मैं देहरादून के एक प्रसिद्ध मंदिर में मौजूद हूं और देखिए आखिरी सोमवार है सावन का, हो जो आखिरी सोमवार पे आप देखेंगे तो शिवालयों में जो तमाम शिव भक्त हैं वो सुबह से ही लगातार भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना की जा रही है क्योंकि 3 संयोग आज बन रहे हैं, एकादशी का व्रत आज है, भगवान शिव की आराधना के साथ साथ भगवान विष्णु की आराधना भी आज की जा सकती है। तो इसलिए आप देखेंगे तो तमाम जो शिव भक्त हैं वो सुबह से ही लगातार शिवालयों में पहुँच रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और लगातार हाथ में भगवान शिव की आराधना के लिए दीपक जलाकर फूल पुष्प और बेलपत्र तमाम फल फूल के साथ उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। और देखिए क्योंकि आखिरी सोमवार है, इससे पहले 3 जो सोमवार है वो निकल गए हैं, जो भक्त भगवान शिव की आराधना पिछले सोमवार को नहीं कर पाए थे उनके लिए आज विशेष महत्व बना है, विशेष आज उनके लिए दिन है और तमाम जो भक्त हैं वो शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना करने के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और क्योंकि आज 3 संयोग बने हैं, एकादशी का व्रत है, पुत्र प्राप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है और तमाम महिलाएँ, खासकर आप देखेंगे तो महिलाओं का जो जमावड़ा है, महिलाओं का जो भीड़ है वो यहाँ पर आप देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ ही जो तमाम लोग हैं वो भी यहाँ पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए आ रहे हैं। यह शिव मंदिर भी है और यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो लोग हैं वो आकर यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। शिवालयों में विष्णु भगवान की पूजा अर्चना भी की जा रही है और अभी तमाम जो लोग यहाँ पहुँचे थे, आप हाथ में अगर देखेंगे तो तमाम शिव भक्तों के हाथ में भगवान शिव की आराधना के लिए जो उनके जो विशेष चीज़ें होती हैं उनको वो लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं।
और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो क्योंकि विशेष महत्व होता है भगवान शिव का, सावन से खुश हो जाते हैं, बेलपत्र और भांग धतूरे के पत्तों से खुश हो जाते हैं, और ऐसे में देखिए शिवालयों की रौनक। लेकिन आज एकादशी भी है, ऐसे में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी भी आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी मौजूद है। विवेक, देखिए ये संयोग है कि आज एकादशी भी है, सावन का आखिरी सोमवार भी है, एक व्रत से दो तरीके का लाभ मिल रहा है, और ऐसे में अयोध्या की क्या रौनक है, तस्वीरें दिखाइए और बताइए। बिल्कुल, देखिए श्री राम तो भगवान शिव का अंश हैं और ये हनुमानगढ़ी है, यहाँ पर लाखों करोड़ों दर्शक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं। और आप देखें सावन के आखिरी सोमवार में यहाँ पर चूंकि झूलन उत्सव चलता है, यहाँ पर पूरे सावन भर झूलन उत्सव होता है। इस दौरान सरयू के घाट से लेकर जो घाट हैं और उसके बाद जो मठ मंदिर हैं वहाँ तक पूरी सावनी संस्कृति गुलजार रहती है, छटा बिखरती रहती है, और हर सबके मुंह में जो भक्त हैं सबके होठों पे एक ही घोष रहता है, हर हर बम 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 भोले जय श्री राम। और यहाँ सरयू घाट से लेकर राम की पैड़ी से लेकर हनुमानगढ़ी तक लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लाखों लोग आते हैं यहाँ पर। और सावन में तो खासकर चूंकि सावन में बहुत अच्छे आयोजन होते हैं, जितने भी मंदिर, जिस तरह से हरिद्वार में हमने देखा कि घर घर मंदिर है, उसी तरह से अयोध्या में भी घर घर मंदिर है, हर घर एक मंदिर है जहाँ पर पूजा पाठ होती है, मठ है, और इस तरह के लोग जो साधु संत हैं, सन्यासी हैं, मठों में रहते हैं, मंदिरों में रहते हैं, या अपने घर पर भी मंदिर बना रखा है, उनके लिए अयोध्या का हर व्यक्ति के लिए आज खास दिन होता है, क्योंकि सावन का आखिरी सोमवार है। और पूरे प्रदेश भर से नहीं, देश भर से लोग यहाँ रामलला के दर्शन करने आते हैं, हनुमान के दर्शन करने आते हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन करने आते हैं, अयोध्या में सरयू में स्नान करने आते हैं। और लगातार ये भीड़ सुबह से स्नान करने के बाद सरयू में सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हैं, और उसके बाद यहाँ से जाएंगे जो श्री राम है, जो विग्रह रखा है वहाँ पर थोड़ी सी दूर पर, करीब 200 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर दर्शन करते हैं। तो ये सिलसिला चलता है, और शाम को, अभी सुबह दर्शन का सिलसिला है, शाम को भजन कीर्तन होते हैं, जो भक्त हैं वो कजरी गाते हैं, अलग अलग लोकगीत गाते हैं, और हर मंदिर में झूलनोत्सव होता है, यानी जहाँ जहाँ भी श्री राम हैं या हनुमान हैं उनको झूलनोत्सव, झूले में बैठा के पूरे सावन भर झूला झुलाया जाता है। और उस दौरान जो मंडलियाँ होती हैं, अलग अलग जगहों से मंडलियाँ आती हैं, जो दूर दराज के इलाकों से मंडलियाँ आती हैं, कीर्तन मंडलियाँ, वो मंडलियाँ गीत गाती हैं, कजरी गाती हैं, प्रभु श्री राम के भक्त में लीन हो जाती हैं भक्ति में। और देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी आपको दिखा दें, चूँकि आज बहुत भीड़ होती है, करीब 4 से 5 लाख लोगों के आने की ऐसी एक जो गणना है शासन प्रशासन की, वो है कि 4 से 5 लाख लोग आज दर्शन करने आते हैं। तो हर जगह पर बैरिकेटिंग कर दी गई है, ट्रैफिक पूरा डाइवर्ट कर दिया गया, सुरक्षाकर्मी लगे हैं, पुलिस पीएसी पूरी हर जगह, हर जो मंदिर जाने का हर रास्ता है, आज का दिन ही, और प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चलिए एक बार फिर से सनुज का रुख करते हैं। सनुज, लोगों के लिए आज के दिन का काफी महत्व है, और कहीं ना कहीं कांवड़ियों के लिए भी आज का दिन काफी अहम माना जाता है, क्योंकि देखिए 2 साल बाद कहीं ना कहीं एक बार खुद मौके पर मौजूद रह के लोग दर्शन कर पा रहे हैं, आज के दिन को मना पा रहे हैं। लोगों से बातचीत कीजिए, उनसे जानिए आज के महत्व के बारे में और कितने उत्साहित हैं वो। देखिए भगवान भोले भंडारी की आस्था है ये ऐसी कि जो एक बार भगवान भोलेनाथ से जुड़ जाता है तो आस्था की डोर ऐसी है कि वो सदा भोले के दर पर खींचे ले आती है, और यही वो श्रद्धालु हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ कतारों में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भोले भंडारी से जो मांगा जाता है वो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जो श्रद्धालु हैं यहाँ उनसे हम बातचीत करेंगे। भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने आए जी, मतलब फर्स्ट मंडे को आई थी और फिर आज आ रही हूँ, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो फिर थोड़ा बच्चा भी छोटा है तो घर पे छोड़ता है। अच्छा, लेकिन ये है कि कहते हैं कि जो मांगा जाता मिल जाता, एकादशी भी है और सावन का आखिरी सोमवार जी, हाँ तो आज तो दोगुना फल मिलेगा। भगवान से तो यही मनोकामना है कि भगवान फल दे, अच्छा दे, सब कुछ अच्छा रखे, स्वस्थ रखे सबको, देश का भविष्य उज्ज्वल हो, यही मनोकामना है। बहुत अच्छा, देश का भविष्य उज्ज्वल हो। आप बता दीजिए जलाभिषेक जी। बिल्कुल, कहते हैं जो मांगते हैं जी। बिल्कुल सर, आज बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज पुत्रदाई काशी है, तो
तो भक्त जो भी सच्चे दिल से मनोकामना मांगते हैं और ये कहते हैं तो अगरदानी होते हैं, जो भी भगवान के यहाँ जो भी दरबार में जो आता है तो जो भी अपनी निरोगी काया मतलब जो भी आप सच्चे दिल से मांगते हैं वो पूरा होता है। और हम लोग सब कुछ पूरा होता है। हाँ सब कुछ पूरा होता है, बिन मांगे देते हैं भगवान तो। अच्छा बिन मांगे मिल जाए। हाँ बिन मांगे मिल जाए। आपकी भी सब मनोकामना? सब मनोकामना पूरी। सर क्या बात है, दो रोटे लेके इनका। कब से? मैं हम भी काफ़ी टाइम से आ रहे हैं जी। हाँ आज आखिरी सोमवार है, बड़ी इच्छा थी आने की। वह आए और भगवान भोलेनाथ मंदिर में वो करेंगे जल स्वेक। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो देखिए आपने सुना कि तमाम जो शिव भक्त हैं वो कह रहे हैं कि भगवान अगरदानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और इन्हीं मनोकामनाओं को लेकर आप देख लीजिए, ये एक कतार इधर लगी हुई है, दूसरी कतार आप इधर देख लीजिए, और जो मंदिर का तीसरा गेट है तीसरी कतार वहाँ लगी हुई है। ये देखिए अगरदानी के दर पर जो भोले के भक्त हैं वो यहाँ माथा टेकने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए मैं एक बार फिर आपको बताना चाहूँगा कि मेरठ के सिद्धपीठ अगरनाथ मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है, और यहाँ का जो शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है वो यहाँ धरती से स्वयं प्रकट हुआ था। अगर नीलकंठ महादेव आप जाएंगे तो नीलकंठ महादेव में जिस शिवलिंग के आप दर्शन करते हैं ऐसा ही शिवलिंग मेरठ के सिद्धपीठ अगरनाथ मंदिर में यहाँ नजर आता है। और दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं। आप ये देखिए कि मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं है, शहर के कोने कोने से देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। एक बार एबीपी गंगा के दर्शकों से कहना चाहूँगा जरा कर लीजिए मेरठ के अगरदानी बाबा भोलेदानी के दर्शन कर लीजिए, सबकी जो मनोकामनाएं हैं वो बाबा अगरदानी पूरी कर देते हैं। कोई बाबा के दर से खाली हाथ नहीं जाता, सभी की खाली झोलियां भर जाती हैं। और ऐसे में जब श्रावण का आखिरी सोमवार हो और श्रावण के आखिरी सोमवार पर जब एकादशी हो तो आप समझिए कि आज के दिन का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ जाता है। यानी आज का व्रत करने से दोगुना फल मिलेगा और जो भोलेदानी है उनकी भी कृपा बरसेगी और जो भगवान विष्णु है उनकी भी कृपा बरसेगी। तो शायद आज इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त से पहले से ही यहाँ श्रद्धा का जो केंद्र है वो एक तरीके से केंद्र बिंदु ये यहाँ बन गया, और जो आस्था की गंगा में डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और कहते हैं ना कि अगरदानी भोलेदानी है। बिल्कुल, और आज का ये जो संयोग है इसका लाभ उठाते तमाम लोग नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि इतनी भीड़ देखी जा रही है शिवालयों में भी। शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगी इन तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए। ये बात करेंगे देहरादून की, जहां प्रदेश में हल्की और मध्यम बारिश का अलर्ट है। 13 अगस्त तक मौसम विभाग ने बारिश की आशंका भी जताई है और ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर में भी बारिश की खबर मिल रही है। देखिए मौसम विभाग का अलर्ट ये कहता है कि 13 अगस्त तक बारिश होगी हल्की से मध्यम, और मैदानी क्षेत्र की बात कर ले पहाड़ से लगते चाहे देहरादून, ऊधम सिंह नगर या हरिद्वार, यहां पर भी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तो मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए है, जहां मॉनसून को लेकर के हर एक चेतावनी हर एक अलर्ट पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरीके की हमने तस्वीरें देखी हैं मॉनसून का प्रकोप देखा गया है पहाड़ों पर, ऐसे में मौसम विभाग का ये कहना है हल्की से मध्यम यानी बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हल्की मध्यम बारिश की चेतावनी है। तो चलिए इन मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर के डिटेल्स क्या है समझेंगे हमारे सहयोगी पंकज राणा से, देहरादून से सीधा जुड़ते हैं। पंकज ये बताइए कहां कहां किस किस तरीके का अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने? इसमें बता देखिए मैं बता दूं कि आज और कल मौसम विभाग ने सामान्य बारिश की संभावना जताई है। 8 और 9 अगस्त को प्रदेश भर में सामान्य बारिश होगी और देहरादून में अभी मौसम साफ है, धूप खिली हुई है और पर्वतीय क्षेत्रों में भी अभी बारिश का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। तो मौसम विभाग ने कल ये शाम को 5 बजे एक पूर्वानुमान जारी किया था जिसमें 8 और 9 अगस्त को सामान्य बारिश का पूर्वानुमान जताया है, लेकिन 10 तारीख को प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसमें पर्वतीय जिलों को कहा गया है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और टिहली जिले शामिल किए गए हैं। उसके अलावा अगर 11 तारीख की बात की जाए तो 11 तारीख को मौसम सामान्य रहेगा और इसी तरह से 13 तारीख तक का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जता दिया है अगले 5 दिनों का। 8 और 9 तारीख को सामान्य मौसम रहेगा, 10 तारीख को भारी बारिश की संभावना रहेगी, 11, 12 तारीख और 13 तारीख को भी सामान्य बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन पर्वतीय जिलों में अलर्ट जारी किया गया है कि पर्वतीय जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के साथ सभी
सभी जो टीमें हैं वो अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि जब मानसून की दस्तक प्रदेश में हुई थी उसी के साथ साथ ही तमाम टीमों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए थे, खासकर पर्वतीय जिलों में, क्योंकि लैंडस्लाइड की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, तमाम जो यातायात बाधित होता है, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिक्कतें होती हैं। उस लिहाज से PWD विभाग के कर्मचारियों को और ऐसी चौकियाँ जो बनाई गई हैं बाढ़ नियंत्रण की चौकियाँ हैं उनको अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि दो दिन हल्की राहत प्रदेश भर में रहने की संभावना है, लेकिन 10 तारीख से फिर से प्रदेश में मौसम बदल जाएगा और बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी चलिए, बीच में थोड़ी राहत जरूर है, जहां हल्की से मध्यम बारिश की भले जानकारी मिल रही है। पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, उत्तराखंड सरकार भले ही लाख दावे करे, लेकिन पहाड़ पर शिक्षा व्यवस्था बेहतर, धरातल पर ये दावे कहीं ना कहीं हवा हवाई नजर आते हैं। टिहरी में ऐसे कई स्कूल हैं जो जर्जर इमारतों में चल रहे हैं, बच्चे खौफ के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। छत जर्जर हो चुकी है, खिड़कियां भी टूटी हुई हैं। इस इमारत का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो ठीक हो। खंडहर हो चुकी इस इमारत में टिहरी के बड़ियार गांव का प्राइमरी स्कूल चलता है। स्कूल का भवन जर्जर है, मगर फिर भी इसमें कक्षाएं चलानी पड़ रही हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जब सवाल किया गया तो वो मजबूरी गिनाने लगे। कुछ विद्यालय ऐसे हैं, कुछ ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे पंचायत भवन नहीं है और न ही वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है। तो हमने वहाँ पे जैसे PS बडियार है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बडियार है, जहाँ पे 27 बच्चे अभी अध्ययनरत हैं, तो वहाँ पे न तो नज़दीक पंचायत भवन है और न ही वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है नज़दीक बच्चों के। तो हमने उनको एक निजी भवन है बगल में, स्कूल के बगल में, वहाँ पे शिक्षण कार्य हेतु SMC के प्रस्ताव के साथ वहाँ पे भेज दिया बच्चों को। ये तो सिर्फ एक स्कूल की कहानी भर है, जिले के कई ऐसे स्कूल हैं जो अभी भी जर्जर इमारत में चल रहे हैं, ये खुद अधिकारी बता रहे हैं। अभी जो जीर्ण शीर्ण और जर्जर विद्यालय हैं, उनका 6 विद्यालय हैं हमारे, उनको हमने जिला प्लान में और SSA में प्रस्तावित भी कर दिया है, और जो बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था पठन पाठन सुचारू रूप से बच्चों का चलता रहे, इसके लिए हमने गांव में जो सामुदायिक भवन है, जैसे पंचायत भवन हो गया या आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पे बच्चों को शिफ्ट किया है। स्कूल की खिड़की, दरवाजे, छत सब कुछ खस्ता हाल है। फर्श को भी देख लीजिए, ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर पत्थर बिछाए गए हैं। तो शौचालय पर भी नजर डाल लीजिए, दरवाजा टूटा है मगर यहाँ पर कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।